तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। जो लीडर यहाँ पे था ना, वो लीडर मजाक उड़ाता है बेसिकली वो लड़के का, गार्ड का, जिसकी बैंड बजी थी। वो गार्ड भी कहता है, साले तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरे पे हंस रहा है, तू अपना मुंह यहाँ पे देखा, तेरी तो मेरे से ज्यादा कुटाई हुई है, अभी तो मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, आई मीन चोट वोट लगी हुई है, इसलिए तेरे कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, मैंने एक ही अटैक में तेरी जान निकाल लेता। लीडर को भी गुस्सा जाता है। उतने में जो नाना है ना, जो भी बंदे लोग चैन से यहाँ पे बंधे हुए थे उन सबको आजाद करवाता है। जो अपना भाई यहाँ पे था, जो दसवा भाई भी है, उससे जाके मिलता हूँ, कहता मेरे भाई तू ठीक है ना? वो भी कहता है या मेरे तीसरे भाई मैं तो ठीक यहाँ पर हूँ, लेकिन एक सेकंड भाई तुझे क्या हो गया, तू एकदम मोटा वोटा यहाँ पे था, अब इतना हट्टा खट्टा यहाँ पे बन गया, सिक्स पैक डोले शोले आ गए। वो भी वापस अपने नॉर्मल से मोटे से फॉर्म में आ जाता और कहता कुछ भी नहीं यार, वो कमाल का टेक्निक था जो मैंने सीख सीख कर ना अपने आप को थोड़ा सा चेंज और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बना लिया, ऐसा तो मैं पहले जैसा ही हूँ। उसका भाई भी कहता है क्या बात है यार, ये स्किल तूने कहाँ से सीखा? तो ये कहानी बताते कि हाँ मेरी जो बेटी है ना, मेरी बेटी की बेटी यानी मेरी नतनी, उसका एक पति यहाँ पर, उसके पति के पास एक कमाल की टेक्निक है, इतना बता ही रहता। उतने में चैन से बंद हुआ एक और आदमी था जो अपने आप को आजाद करवाता है, और जैसे आजाद करवाता है उसका रिएक्शन होता है, तो नाना अपने भाई को दूर लेके जाता है। वो बंदा काफी गुस्से में था सेटर के ऊपर, क्या सेटर के बच्चे यार मेरे बाप ने तुझे एडॉप्ट यहाँ पे किया था, तुझे अपना बेटा बनाया और मैंने भी तुझे अपने भाई जैसा मान लिया था, लेकिन क्या तूने एंड में हमको यहाँ पे धोखा दिया और हम सबको यहाँ पे पकड़ लिया, गद्दारी कर। तो जैसे नाना सुनता वो भी सोचता कि एक सेकंड, यानी ये हमारा सेटर था जिसको मैं सेटर मानते थे, वो तो हमारी फैमिली का ही नहीं, उसको गोद लिया था, यार ये तो गलत बात है। सामने से सेटर भी कहता है गोद यहाँ पे लिया था, गोद भले तुमने ले लिया था, भले मुझे शॉ फैमिली का नाम यहाँ पे दे दिया था, लेकिन रियलिटी में तुम पब्लिक को यही दिखाते कि हाँ भाई ये देखो ये हमारे परिवार के एक भिखारी है जिसको हमने गोद लिया, इसकी कोई औकात नहीं है, तुम पब्लिकली ऐसा शो ऑफ यहाँ पे करते हो, मेरा तो नाम तुम अपनी फैमिली के जो ऑफिशियल बुक है उसमें लिखा भी नहीं था। जो सुनता वो भी कहता है क्या तुझे ऐसा लगता था कि हमने बस नाम का गोद लिया है, रियलिटी में कुछ भी नहीं है? वो भी कहता है यस यस यस, वही खाली पब्लिक को दिखाने के लिए, रियली में मेरी कोई इज्जत यहाँ पे नहीं थी। और तब ये ना पेपर दिखा देता, उसी पेपर पे जहाँ पे ऑफिशियली फैमिली में उसका नाम यहाँ पे लिखा था, ये कहते कि नहीं हमने तुझे गोद लेकर ना तुझे रियलिटी में अपने फैमिली का मेंबर ही बना लिया था, देख तेरा नाम भी इसके अंदर यहाँ पर है, फिर आई डोंट नो या तूने ऐसा कैसे किया, या तुझे शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर, लाला तुझे फील हो। तो सामने से सेटर को विश्वास नहीं होता, कहते कि नो वे, नहीं नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, यानी तुम लोग मुझे हमेशा अपने परिवार जैसे मानते, मुझे लगा तुम लोग हमेशा मुझे कुत्ते जैसा और स्लेव जैसा ट्रीट यहाँ पे करते हो, इसके लिए भाई मैंने ये सारा कांड यहाँ पे किया। जो सुनते सामने से ये भी कहता है कि अरे यार लाला तेरे ऊपर, मैंने तुझे अपना सगा भाई जैसा माना था, लेकिन तू तो कसाई निकला रे कसाई। वो भी कहता नहीं झूठ बोल रहे होगे, हाँ ये सब झूठ, यहाँ पर तुम नाटक कर रहे हो ताकि तुम मेरा दिमाग का दही यहाँ पे कर सको। तो वो भी कहता कि वेल मैं नाटक नहीं कर रहा, तुझे विश्वास करना है तो करो, विश्वास नहीं करना तो मत करो। हाँ तो ये सारी बातें हमारे मेकअप अभी पीछे से सुन रहा था, रिकॉर्ड भी करवा रहा था, वो भी आ गया तो कहता कि एक सेकंड, यानी ये जो सेटर यहाँ पर है ये तुम्हारी फैमिली का रियल मेंबर नहीं था, तुम्हारे बाप ने इसको अडॉप्ट करके अपने परिवार में अपना बेटा बना लिया था, तुमने प्यार भी किया था, फैमिली वालों ने भी बहुत ही प्यार किया था, लेकिन इसको हमेशा ऐसा लगता है कि भाई ये रियल ही नहीं, तो फैमिली वाले बस दिखावे के लिए ऐसा कर रहे, रियलिटी में कभी भी ट्रीट नहीं करते, इसकी बात का गुस्सा था और तो जाके इसने ऐसा कांड यहाँ पे किया, यानी ये रीजन है। अब ये कितना पिद्दू सा रीजन है, मुझे लगा कोई बड़ा रीजन होगा, कोई डार्क रीजन यहाँ पर होगा, फॉर एग्जाम्पल के लिए भाई तुमको कोई फ्यूचर मालूम चला होगा कि फ्यूचर में टीएन नाम का बंदा आकर तुम्हारी बैंड बजाएगा, इसलिए तुमने मेरी बैंड बजाने के लिए यानी टीएन की बैंड बजाने के लिए एडवांस में तैयारी की है, मुझे लगा कोई ऐसा रीजन होना चाहिए। तो सेटर भी कहते हैं कि भाई मैं तुझे जानता भी नहीं, तू कौन है भाई, तो तेरी बैंड बजाने के बारे में काय को मैं सोचूंगा। जो सुनता हमारा टीएन कहता है यानी तुम्हारा मेन टारगेट में यहाँ पे नहीं था क्या यार, सच्ची में मैं नहीं था, मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था, ये लोग कहते हुए तो यार हम तुझे जानते ही नहीं। हमारा मेन कैटर कहता है कि नहीं यार ऐसा हो सकता है, तुम्हारा कोई ना कोई डीप प्लान होगा जो तुम और भी ऐसा लंबे समय से प्लानिंग करोगे, कहीं ऐसा तो नहीं शुरू में से मैं तुम्हारा टारगेट यहाँ पे था और तभी तो भाई एंड में मुझे अट्रैक्ट करके यहाँ पे तुमने बुलाया ना। तो नाना कहता है बस करो दामाजी, ऐसा कुछ भी नहीं, हमारी शव फैमिली आपको यहाँ पे जानती भी नहीं थी, आपके साथ यहाँ पे कोई दुश्मनी नहीं है, आपके साथ कोई पंगा लेना नहीं चाहता। हमारा मेन कैटर कहता है यस हाँ, लेकिन आपके साथ भाई, आपके साथ पंगा लिया ना, आपको चोट पहुंचाया, आप मेरे नाना हो, आपको चोट पहुंचाना यानी मेरे को चोट पहुंचाने के बराबर है, तो आपका बदला यहाँ पे लूंगा। हाँ तो सुनो, यह जो भी ऐसा चोट पहुंचाता ना मैं उससे नुकसान की भरपाई लेता हूँ, मैं तुझसे भी नुकसान की भरपाई लूंगा, जल्दी से ला। तो सामने से सेटर कहता भी क्या ला, मैं कुछ भी देने वाला यहाँ पे नहीं हूँ, तू क्या ही कर लेगा, मुझे मारे कर ले, तुझे मुझे जितना मारना ना मार, मार मार के चाहे तो मेरी चमड़ी यहाँ पे उधेड़ सकता है, लेकिन मैं तुझे कुछ भी देने वाला नहीं हूँ। हमारा मेन कैटर कहता है उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, वो मैं अपने आप यहाँ पे वसूल कर लूंगा। इतना बोल के आई डोंट नो क्या करता है, जिससे जो दुनिया ना धीरे धीरे हमारी मेन कैटर की होने लग जाती है और इसका राजा यहाँ पे बनने लग जाता है। तो हमारे मेन कैटर भी देखता है कि वेल यार ये दुनिया का राजा मैं अकेले बन के क्या करूंगा, मैंने पहले भी काफी सारे दुनिया को अपने अंडर में ले लिया है, तो ये लो नाना ये दुनिया आप यहाँ पे संभालो। और तभी एक अजीब सा क्रिएचर आता है जो समझे दुनिया का स्पिरिट कह सकते हो, और बड़ा अजीब सा यहाँ पे दिख रहा है, अजीब ही सा एकदम है, बच्चे साइज का, हमारे मेन कैटर के पास कैसा घूम रहा था। हमारा मेन कैटर भी कहता अरे 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 बस कर यार, कितना दिमाग कदई कर दिया, जा तू वापस जा सकता नाना, तुम समझ गए ना नाना को क्या करना है। तो नाना एकदम यार वो हिल जाता कि भाई चल के
क्या रहा है, आई मीन सच्ची में चल क्या रहा है। चुटकी बजाती है भाई उसने दुनिया अपने अंडर में ले लिया और मेरे को संभालने को दे दिया, और वो जो क्रिएचर था दुनिया की स्पीड वो भी इसकी बात यहाँ पे मार रहा है। यार ये तो सच्ची में बड़े कमाल के हैं, कुछ ज़्यादा ही कमाल के यहाँ पर है। उसके बाद ना हमारा मेकर टक कहता है कि हाँ तू अनसेटर भाई, तूने फैमिली का नाम बदनाम किया और फैमिली का पूरा मॉरल यहाँ पे डाउन किया, बहुत ही बुरे बुरे काम यहाँ पे किए। इस काम के बाद तुझे सजा मिलेगी और सजा के तौर पर ना पब्लिकली सबके सामने तुझे सजा दिया जाएगा और शर कुमारे तुझे यहाँ पे मारा जाएगा। हाँ तो सामने से ये भी कहता है जो था दूसरा बंदा फैमिली वाला कि ना ना यार ऐसा मत बोलो, ये बेचारा नंगा पूंगा यहाँ पर है, बस इसने कच्चा ही पहना है। हमारा मेकर टक कहता है उसने वो तो पहना है ना, अगर इसने गुस्सा दिला दी ना वो भी उतार के इसको पब्लिकली नंगा वंगा यहाँ पे घुमाऊंगा। रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग चालू है ना, HD में रिकॉर्डिंग यहाँ। जो सुंदर भालू कहता है HD में, अरे 4K में रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो रहा है। हमारा TN कहता बहुत ही बढ़िया, बोलो एनसेटर तुम्हारा क्या विचार है। एनसेटर कहता ना ऐसा मत करो यार, प्लीज ऐसा मत करो, ऐसा करने से अच्छा तो मेरी जान यहाँ पे निकाल लो, लेकिन ऐसा मत करो। हमारा मेकर टक भी कहता है कि ना हम तो ऐसा ही करेंगे, ये ले, इतना बोल के उसको बिजली का झटका दे देता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।